तो आपको बताएं, पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत हुई और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है यह कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की ओर से आयोजन। क्या कुछ कह रहे डोटासरा वो भी आपको सुनाते हैं। देख रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल से कोई बहुत पिछड़े हुए इलाके में कोई ऐसा घर मिल सकता है जहां पर कोई अपने बेटे और बेटियों दोनों को नहीं पढ़ाता। और यही नहीं, पहले बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाते थे, बेटी को केवल पास की सरकारी स्कूल में पढ़े या नहीं पढ़े चली जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं ये माताएं बहनें जो बैठी हैं, हमारे बुजुर्गों ने इस शिक्षा के महत्व को समझा और समझ करके उन्होंने अपनी प्राथमिकता में एजुकेशन को डाला। और आज हम देख रहे हैं कि बेटा हो चाहे बेटी हो, एक सम्मान है। अगर बेटा किसी अच्छी स्कूल में जाता है तो बेटी भी उससे अच्छी स्कूल में जाती है। बहुत पहले एक समय था कि बच्ची को हम स्कूल में भेजने से कतराते थे, माताएं बहनें खुद कह देती थी कि नहीं नहीं बेटी को हम बाहर स्कूल में नहीं भेजेंगे, बेटे को बेशक भेज सकते हैं। और वो इसलिए कहती थी कि शिक्षा के महत्व को उनको पता नहीं था, वो शिक्षित नहीं थी, इसलिए उनको इतना ही पता था कि बेटी जब सियानी हो जाए तो उसके बाद में उसको बाहर नहीं भेजना चाहिए, उसको अपने ससुराल शादी करके भेज देना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज आप और हम देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की एक बेटी है और वो भी अगर पढ़ना चाहती है, वो बाहर विदेशों में जाना चाहती है, और अगर ये जो चाहे कम पढ़ी लिखी माताएं बहने हैं इनको कहती है मां मैं अमेरिका जाना चाहती हूं, पढ़ना चाहती हूं, मैं दूसरी जगह विदेश में पढ़ना चाहती हूं, तो मां खुशी से आंखों में आंसू तो ले आती है और एक ही बात कहती है, बेटी अपना ध्यान रखना, लेकिन तुम जाओ पढ़ो, हमारा नाम रोशन करो, अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करो। ये माताओं की ताकत है। एक जमाना था जब एक बेटी को बाहर स्कूल में अपने गांव में भेजने की कतराती थी, वही अनपढ़ मां आज इतनी शानी समझदार हो गई कि वो अपनी बेटी को, अकेली बेटी को विदेश में भेजने के लिए तैयार है।